जो लोग आज एक फैशन की तरह ह्यूमन राइट की बात करते हैं, पट्टियां बांध बांध कर निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, जब एक करोड़ों लोग मारे जाते थे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश से भाग कर आते थे, आपका ह्यूमन राइट कहां धो गया था? करोड़ों लोग मार दिए गए, भाग भगा दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया। अरे कश्मीर के अंदर से 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में विस्थापित कर दिया गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं। और अब एक गांव गांव लगाई। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी जी वर्षों से प्रताड़ित, अभी अभी मैं मिला शरणार्थी भाइयों को, बोलने के लिए मुंह में शब्द नहीं थे, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे। ये 70 साल से पीड़ित लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन का नया अध्याय शुरू करने का मौका दिया। और मित्रों, ये मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। ये मैं वोट बैंक के लोभी, आंख के अंधे और कान के बहरे नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इनके कैंप में जाइए, कल 100 हेक्टर के जो मालिक थे, आज एक छोटी सी झुग्गी में अपने परिवार के साथ भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं, जिनकी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी, आज उनको नागरिकता नहीं है, नौकरी नहीं है, दवाई नहीं है, खाना नहीं। मुझे बताओ लखनऊ वालों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हमारे सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए, इनके कान बहरे हैं, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया? और मित्रों, ये लोग हमारी न सुने तो मैं समझता हूं, योगी जी आश्चर्य व्यक्त करते थे कि ये क्यों नहीं समझते। मैंने बोला, योगी जी, इनकी आंख पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है, वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है, ये नहीं सुनते।